अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं माश की दाल बनाने लगी हूँ। दाल तकरीबन एक पाव है। इसमें जो मसाले जाएंगे वो है हल्दी हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून ही नमक है। तो इसको प्रेशर कुकर में डालते हैं। हल्दी को भी डालते हैं, नमक को भी, और इसमें तकरीबन दो गिलास पानी को डाल देते हैं। तो आइए इसको प्रेशर कुकर में रखते हैं। फिर प्रेशर कुकर को हमने बंद किया और 10 मिनट तक हम मिलते हैं दोबारा। फिर दाल के लिए जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं वो है एक दरमियाने साइज़ का प्याज, और इसमें लहसुन की जो है चंद तुड़ियाँ डालेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। मसाला हमने ये मैच कर लिए, ग्राइंड कर लिए। तो आइए मसाला बनाते हैं। ये दाल हमारी जो है वो बॉयल हो गई है, तो अब हमने ऑयल गर्म करने के लिए ऑयल को गर्म करने रख दिया, और इसमें अब डालेंगे हम ये जो प्याज और लहसुन है। मसाला तैयार करेंगे। फिर इसमें अब टमाटर डालेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे तकरीबन दो। इसको अच्छे से मिक्स करके साथ ही इसमें मसाले जो है ऐड कर देंगे, साथ ही मसाले जो है ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मसाले जाएंगे वो है हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च कुटी हुई, और धनिया जो है वो कुटा हुआ हाफ टी स्पून, और कश्मीरी लाल पाउडर जो है वो हाफ टी स्पून, और 1/4 टीस्पून जो है वो नमक है। कभी बार इसे शामिल करते हैं, मिक्स करते हैं। मसाला जो है उसकी बनाई अच्छे तरीके से करेंगे, हल्का हल्का इसमें पानी शामिल करके, ताकि मसाला जो है वो साथ ना लगे ना जले। मसाला हमारा जो है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो गया, इसमें हम दाल शामिल करेंगे। क्या खुशबू आ रही है, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है। वो दाल जो है वो बनी है, बहुत ही मज़ेदार। धनिया शामिल करेंगे, फ्लेम पे हम ऑफ करते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। फिर बहुत मज़ेदार जो है वो दाल जो है हमारी माश की तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द आऊँगी, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।